इम्पैक्ट क्या चीज होती है, उसको कैसे मेजर करना चाहिए? मेरा ये ख्याल है हम जो है ना, अगेन हम एज ए नेशन ना, हम एक सर्टन एक कोई वर्ड पकड़ते हैं और हम फिर उसके पीछे अंधाधुंध भागना शुरू कर देते हैं. आज से कोई 4-5 साल पहले इट वॉज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जी आपको क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. उसके बाद जो है बस वर्ड आए डिस्रप्शन, जिसकी आज तक मुझे समझ नहीं आई कि व्हाट इज डिस्रप्शन, किसको कहते हैं डिस्रप्शन. अब आजकल ये इम्पैक्ट है कि जी व्हाट इम्पैक्ट यू आर मेकिंग just by existing, just by being, you know, being Nagin Ansari or being Saima Kamar, we do have an impact. Agar hum na hoon, toh there would be a void which is still fillable. I think koi na koi aake us jagah ko fill kar dega, kyunki ye pani ki tarah se hota hai, jaise hi aap wo jagah chhodte hain, wo pani ya koi aur cheez aake us jagah ko bhar leta hai. Aur ye impact bhi isi tarah ki cheez hai. Impact us waqt tak hai jab tak hum hain. जब हम नहीं हैं तो वो इम्पैक्ट नहीं है. लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट वही है जो कि जनरेशंस तक चले, जिसमें एक्चुअली आप कुछ ऐसा कर जाएं जो कि आने वाली नस्लें आपको याद करें कि हाँ जी ये बंदा था जिसने कुछ काम किया. चलो 4 नस्लें नहीं, 2 ही याद कर लें. जैसे मौज़म अली कादरी को मैं आज भी याद करती हूँ. आई होप कि अगली आने वाली तुम लोगों की जनरेशन भी उनको याद रखेगी, उस अगली भी याद रखेगी. बिकॉज these people, Mahmood sahab, Mauzam sahab, they did something for research. They did, you know, they created an impact by starting this new industry in Pakistan. Ab, if I do like बहुत ही मार का तुलारा किस्म की मैं रिसर्च भी कर लूँ तो उसका इम्पैक्ट कितने दिन रहेगा यार, जितने दिन क्लाइंट इज एबल टू यूज दैट रिसर्च. आप बहुत मार का तुलारा जो है ना एडवर्टाइजिंग बना भी लें, उसका कितने दिन इम्पैक्ट रहेगा? इट वुड बी फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. तो ये जो इम्पैक्ट है कि मेरे तो नज़दीक जो है ना एक सिवाय जो है वो टर्म्स फेंकने के और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. जब आप कहते हैं ना वॉट आर द मेन लीवर्स जिससे ब्रांड फ्लोट कर सकता है, वॉट आर द हैंडल्स जिनको लेके चलें, कंज्यूमर बैरियर्स, ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं. इन टर्मिनोलॉजीज के पीछे हम भागते हैं और हम क्लाइंट को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं. इम्पैक्ट भी इसी तरह की एक टर्म है.